भाव की भूखी हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनती नहीं, और भाव पूरित टेरे ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डालें तो मैं लेती नहीं, और भाव से एक फूल भी दे दें तो मुझे स्वीकार है। ऐसी हमारी कामधेनु गोमाता सुरभि मैया हैं, जिन्होंने बड़े भक्ति भाव से बहुत ही कम उम्र में माँ नर्मदा जी की परिक्रमा लगाई, और माँ नर्मदा जी की परिक्रमा के दौरान सुरभि मैया ने हजारों भक्तजनों के दुख दर्द और कष्ट और दरिद्रता दूर किए, और अपने पवित्र गोमूत्र और गोबर से हजारों रोगियों के रोग पल में दूर किए हैं। आज भी माँ नर्मदा जी के तट पर जो भी भक्तजन अपने कष्ट और दुख दरिद्रता लेकर आता है और सुरभि मैया की परिक्रमा करके दर्शन करता है, तो उसके सारे कष्ट दुख दरिद्रता और बीमारियां पल में दूर हो जाती हैं। और आज हम कामधेनु सुरभि मैया के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। नर्मदे हर मान रब दा कमेला में सारी दुनिया आवे, अरे दुनिया आवे मैया मन की मुरादे लावे, दुनिया आवे मैया मन की मुरादे लावे, चरणों में सर को झुकावे रे, उथारा मंदिर में जोत जलावे रे, मानेवा का मेला में सारी, जय हो नर्मदा मैया की जय, नर्मदा का मेला में सारी दुनिया, जय हो नर्मदा मैया की जय, उथारा मंदिर भजन सुनावे रे, चरणों में सर को झुकावे रे, मान रब दा कमेला में सारी दुनिया आवे रे, दुनिया आवे मैया मन की मुरादे लावे, भजन आवे मैया तेरे मन मोगावे, भजन को मैया तूने पालना झुलाया रे, तारा चरणों में सर को झुकावे रे, मान रब दा कमेला में सारी दुनिया आया रे, ढोला ढोल नगारा बाजे रे, मान रब दा कमेला में सारी दुनिया आया रे, अरे दुनिया आवे मैया मन की मुरादे लावे रे, दुनिया आवे नर्मदे हर मन की मुरादे लावे रे, ओ थारा चरणों में सर को झुकावे रे। जब भी हम किसी भी आश्रम में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। आज हमने आश्रम में 50 किलो शक्कर, 15 किलो चावल, 15 लीटर तेल, 10 किलो गुड़, 5 किलो तुअर की दाल और 2 किलो चाय की पत्ती और भी छोटा मोटा सामान है। परिक्रमा वासियों की सेवा में और आश्रम की सेवा में हमने सप्रेम भेंट कराए हमारे गुरुजी को। गुरुजी नर्मदे हर, गुरुजी नर्मदे हर। और हम देखते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर जो भी साधु संत विराजमान होते हैं, भक्ति भजन और तपस्या के साथ सेवा और परमार्थ का हमारे संत महात्मा महान कार्य भी कर रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय, मैया की जय, गौशाला की जय, गौ सेवकों की जय, गौ पालकों की जय। नर्मदे हर अम्मा जी। अम्मा जी जो है सब्जी को अमनिया कर रही हैं, गिलकी, आज गिलकी की सब्जी बना रही हैं अम्मा जी। तो अम्मा जी आप आती रहती हूँ आश्रम में? हाँ आती रहती हूँ, आती रहती हूँ। तो अम्मा जी का अभी उपास उपास चल रहा है ना? हाँ। आज दशहरे का दिन है,
ये गुरुजी की गौशाला है, गुरुजी गो भक्त हैं और माँ नर्मदा जी के भक्त हैं। गुरुजी गायों की बहुत सेवा करते हैं, हम देख रहे हैं, और कुछ भक्तगण भी आ जाते हैं गायों की सेवा करने के लिए। गाय के चारे की बहुत बड़ी व्यवस्था करना पड़ती है, साधु संतों के पास ही गाय बची हैं हम देख रहे हैं। बाकी के आजकल तो जो हमारी जो देसी गाय हैं उनको लोग छोड़ देते हैं, भगा देते हैं, और साधु संत उनको पालने की जिम्मेदारी साधु संतों ने ले रखी है। गुरुजी नर्मदे हर, मात नर्मदे हर। अच्छा गुरुजी, आप मां नर्मदा जी के तट पर कब से विराजमान हैं गुरुजी? मैं यहाँ ये पहला परिक्रमा मैंने 18 में किया था पैदल, इसके बाद में गौ माता के साथ में मैं 21 और 22 में परिक्रमा किया। ये सिरभी मैया हैं जो 4.5 महीने की उम्र से हिरणखेले तालाब से निकल कर ये परिक्रमा के लिए चल दी। वहाँ से ये गौ माता सुरभि निकली है और ये वहाँ से इसने माँ नर्मदा का परिक्रमा किया और जगह जगह इन्होंने अपना परिचय दिया। ये 5 मंजिल ऊपर भी चल जाती हैं और दर्शन करके आ जाती हैं, मंदिरों में भी स्वयं जाकर दर्शन करती हैं और वापस आ जाती हैं। गुरुजी के आश्रम में आए हैं तो गुरुजी भोजन प्रसादी बना रहे हैं। गुरुजी कहने लगे कि भाई आप भोजन प्रसादी करके जाना। साधु संतों का ये अपार प्रेम रहता है भक्तों के प्रति और जो परिक्रमावासी आते हैं उनके प्रति। और हमारे दादाजी हैं, दादाजी गुरुजी की मदद कर रहे हैं, दादाजी सहयोग कर रहे हैं। दादाजी नर्मदे हर। अच्छा गुरुजी, आप भोजन गौशाला में ही बनाते हैं यहीं? हाँ, हमारा भोजन गौशाला में ही बनता है, होती है। गुरुजी के भक्तगण आते रहते हैं, गुरुजी के सेवकगण गुरुजी के पास, क्योंकि गुरुजी कई प्रकार की दवाइयाँ भी देते हैं। और ख़ास तौर से जो गुरुजी दवाइयाँ देते हैं वो गौमूत्र, मतलब सुरभि माता के पावन और पवित्र जो गौमूत्र रहता है उससे बनाते हैं गुरुजी दवाई। गौ माता ही बताती है, और गौ माता ही गुरुजी को दवाइयाँ बताती हैं और 100% आराम लग जाता है। कैंसर और दमा और भी कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनकी दवाई गुरुजी देते हैं। और ये भक्तगण आते रहते हैं, गुले माँ नर्मदा जी के दर्शन करते हैं, फिर सुरभि माता के दर्शन करते हैं और सुरभि माता से आशीर्वाद लेते हैं। सभी मनोकामना पूरी होती है भक्तगणों की। भाई साहब नर्मदे हर। देवास से आई हूँ जी, सुना था कि सुरभि माता है जी, जी जो भी बीमारी हो वो परिक्रमा लगा लेते हैं उसकी तो समस्या अपनी हल हो जाती है, हल हो जाती हाँ। है। और भाषण के मैंने भी सुना है कि मेरे को भी बहुत सारी समस्या, अच्छी नहीं रहती हूँ मैं भी, कभी मेरा शरीर भारीपन होता है, कभी कुछ होता कभी कुछ होता, तो मेरे को भी बताया गया है तो मैं भी सुरभि माता के दर्शन करने के लिए आई हूँ। हम देखते हैं दूर दूर से भक्तगण गुरु जी के आश्रम में आते हैं और सुरभि माता के दर्शन करते हैं। जो भी सुरभि माता की परिक्रमा करता है उसकी सारी बीमारियां और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वो जो बच्चों है वो जो लो तो 3-4 तो गए हैं ना। अब गुरुजी सभी के लिए चाय बना रहे हैं। अच्छा गुरुजी, ये हम जो आपने ये माला पहन रही है ये बहुत ही अद्भुत लग रही है, क्या है गुरुजी? ये गौ के गोबर से बनी हुई माला है। अच्छा, गाय के गोबर से बनी हुई है और बड़ी मुश्किल से बनती है। अच्छा, सुरभि माता गाय के गोबर, हाँ, से गोबर से बनी हुई माला है और इसको पहनने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। कोई भी अगर इसको पहनेगा तो कष्ट जितना भी शरीर के अंदर सब हट जाएगा। अच्छा। और इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है जी, क्योंकि तो क्योंकि ये गाय का गोबर जो है ना, पृथ्वी पर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उससे सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा विष्णु महेश का मल भी काम का नहीं है, ये गौ माता का गोबर वरदान है इस पृथ्वी के लिए। शोभायमान गोबर से ही लगती है पृथ्वी।
इसलिए ये गोबर सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन गुरुजी आजकल हम देखते जा रहे हैं शहरों में तो टाइल्स लगते जा रहे हैं, गोबर का उपयोग एकदम प्रयोग खत्म ही करते जा रहे हैं, तो उससे तो बड़े साइड इफेक्ट होंगे फिर। नहीं, उससे अधिक होंगे। ऐसा नहीं है, जो बीमारियां हो रही हैं किसी को साइटी का तो किसी को कैंसर, तो ये सब उसी के वजह से, क्योंकि पृथ्वी से जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती। अभी देखो विदेशों में टाइल्स निकलने लगी। जी जी गुरुजी। क्यों निकल रही हैं? क्योंकि वहाँ ज़्यादा वातावरण खराब होने लगा, लोग बीमार होने लगे, अधिक परेशान रहने लगे। अगर गौ माता जिसके घर में है तो समझ लो आप उस घर में कभी किसी प्रकार का रोग पैदा नहीं हो सकता, किसी वस्तु दोष वगैरह कुछ भी नहीं आ सकता। माँ नर्मदा जी के तट पर चाय का बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो भी भक्तगण आते हैं माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासी आते हैं, सबसे पहले आश्रमों में चाय का ही प्रसाद दिया जाता है। और ये सब हमारे गुरुजी के भक्तगण हैं, गुरुजी के पास गौशाला में आते रहते हैं। और अब अम्मा जी आटा लगा रही हैं सभी भक्तगणों के लिए। तो अम्मा जी आटा बहुत ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा, गौ माता उनके देना। अच्छा, सबसे पहले भेजे बाद में अपन। हालांकि सभी धर्मों में मातृशक्ति की पूजन होती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में बहुत अधिक हम मातृशक्ति को पूजते हैं। हर रूप में हम हमारी माता बहनों को हम पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अम्मा जी बहुत सारा आटे का आटा लगा लिया, आप थक नहीं गई? नहीं थकी। हम देखते हैं हमारी माता जी और हमारी माताएं बहनें देखो कितना काम करती हैं घर का। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हमारी मातृशक्ति का हमें बहुत ही प्रेम मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आपने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करी, तो आपको मैया की परिक्रमा करने से कैसा अनुभव हुआ गुरुजी? हम देखते हैं कि बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि, और कहा जाता है कि देवी देवता भी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। गुरुजी ये क्या है, माँ नर्मदा की परिक्रमा करने के बाद में शरीर में सब प्रकार की शांति आ जाती है, और ये पूरा धर्म काम मोक्ष अर्थ सब प्रकार की इसमें परिक्रमा देने से सब प्राप्त होने लगता है जी। किसी प्रकार की समस्याएं जो रहती हैं घर के अंदर भी या बाधाएं वगैरह भी, ये सब मिट जाती है। जब एक लखन फाटा आया गांव, वहां से सुरभि मैया बीच हाईवे में हम लोग चल रहे थे, वहां जाकर वह बैठ गई। अब बैठ गई तो वहां हमने सोचा ये थक गई, मगर हमको नहीं मालूम था। इतने में गांव का एक किसान आया, उसने कहा आप महाराज जी यहाँ क्यों बैठे हो? हमने कहा हमारी गौ माता थक गई। अब वहाँ थोड़ी देर में पूरा गांव भेला हो गया और नाच गाने होने लगे। फिर वो बताया हमको कि यहाँ कोई भी हमारे यहाँ यज्ञ होता था, यज्ञ हुआ था, वहाँ यज्ञ में कहा था कि इस मेले पर अगर कोई भी संत निकलेगा तो वह यहाँ रुक जाएगा, भले ही उसकी गाड़ी खराब हो जाए। ऐसा हुआ भी उनके साथ दो बार, तो तीसरी बार हम थे, सुरभि मैया वहाँ बैठ गई, तो गांव वालों ने बड़ा स्वागत किया नाच गाने के साथ, हमको फिर आश्रम तक छोड़ा और बताया कि आप संत हैं। तो ऐसा गौ माता ने वहाँ भी चमत्कार दिखाया, और उसके गोबर के गणेश जी पूरे नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर हैं, क्योंकि इसने बताया था कि मेरे गोबर को आप सुबह आप उनका गणेश जी बना लो, और गणेश जी बनाकर सुबह उठकर प्रणाम करो, उनसे जो भी मांगो वो मिलता है। तो वो आज भी मिल रहा है, जो भी अगर सुरभि मैया के गोबर के गणेश जी बनाता है और जो भी सुबह उठकर मांगता है वो पूरा पूर्ण होता है, बहुत जल्दी होता है। जी जी, ऐसा उसका है वरदान है।
और इसके जो भी परिक्रमा देता है और जो मांगता है वो सब कार्य पूर्ण हो रहे हैं इस समय। अच्छा गुरु जी, जैसे कि आप आपके पास जैसे कई भक्तगण आते हैं, कई बीमार लोग आते हैं, तो वो सुरभि माता का गोमूत्र जिसको हम बोलते हैं गोबर गोमूत्र, इन सबसे रतौंधी और कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसा आपने बताया था गुरुजी, इस थोड़े इसके बारे में बताएं ना गुरुजी। इसके गौमूत्र पीने से क्या है कि सुबह उठो और सबसे पहले इसका गौमूत्र पियो आप आधा कप, और फिर इसके बाद में आप जिस प्रकार का बोल रहे हैं ना कि आप वो ठीक हो जाते हैं, इसमें बहुत बीमारी ठीक हो जाती है जी सुबह पीने से। और इस मैया का गौमूत्र तो ऐसा होता है, ये आप देखना जैसे नर्मदा जल कहीं है। तो जैसे भक्तगण हैं कुछ बताते हैं कि सुरभि के गौमूत्र से और उससे रतौंधी की जो बीमारी होती है वो भी ठीक हो जाती है। हाँ हो जाती तो है। तो गुरु जी कैसे? इसके गोबर से स्नान करना पड़ता है जी। आप सुबह या जब भी स्नान करो, जब 5 मिनट तक लगा कर और बैठे रहो और कहते रहो सुरभि मैया की जय, सुरभि मैया की जय, सुरभि मैया की जय, ऐसा करते हुए आप 5 मिनट निकाल दो, इसके बाद में स्नान कर लो, आपको 21 दिन में आपकी ये रतौंधी खत्म हो जाएगी। रतौंधी खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए गोमूत्र भी पीना पड़ेगा सुरभि मैया का? गोमूत्र पीना है तो पियो, नहीं मत पियो तो भी हो जाएगा, गोबर से ही हो जाएगा बिल्कुल 100%। अच्छा गुरु जी, आप बता रहे थे कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है? हाँ हो जाती तो है। वो कैसे गुरु जी? कोई ऐसी होती है कि इसके गोबर से स्नान करो, इसके सुबह उठकर 11 परिक्रमा दो सुरभि माता के, गौमूत्र के साथ तुलसी मिलो आप 10-12 पत्ते लेके तुलसी के और गौमूत्र के साथ लो, ये अगर बार बार आप लोगे तो इससे ऑटोमेटिक आप ठीक हो। तो गुरु जी कितने दिन लेना पड़ेगा लगभग? ये तो आपको करीब 8-6 महीने लेना पड़ेगा अगर कोई कैंसर की बीमारी है। 100% ठीक हो जाती है? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाती है, धीरे धीरे होने का है तो 8 दिन में अच्छी हो जाती हमने किया। और फिर क्या है, सुरभि के ऊपर सेंकना पड़ता है, जहाँ अगर किसी को कैंसर है वहाँ रखना पड़ता है उसके ऊपर, आप लेटना पड़ता है उसके ऊपर, लेट कर ऐसे हाथ फेरते रहो फेरते रहो, कैंसर ठीक हो जाता हुआ। अभी जो बंसल हॉस्पिटल से एक भाई झकलाई की लौट के आई थी, हाँ, और उसको बीमारी थी, वो यहाँ आई, वो उसी दिन से 8 दिन में ठीक हो गई, यहीं पे रही होगी 8 दिन। उसको डबल से बुलाया था, 5.5 लाख रुपए का कहा था कितना लगेगा, डबल से ऑपरेशन होगा, उसने नहीं करवाया, आज ठीक है। आज ठीक है, परिवार की है वहाँ झकलाई की। सुरभि माता के गौमूत्र और गौमूत्र का पान करते हैं, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, तो कई बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। वो तो कहते भी हैं गौ माता में सारे देवी देवता विराजमान हैं, सभी देवी देवताओं का असर हो जाता है। और अब हमारी अम्मा जी आ गई, अम्मा जी गुरु जी से बोल रही हैं कि भाई गुरु जी आप हटो, मैं बनाती हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा गुरु जी, जैसे कि मैं सभी वीडियो में जो आप जहाँ भी साधु संतों के पास जाता हूँ तो मेरा एक ही प्रश्न रहता है कि मनुष्य संत कैसे बन जाता है, तो गुरु जी आप संत कैसे बन गए? ये मैं गौ माता के साथ बना, जब मैं गौ माता के साथ चला तो अमरकंटक में जाकर उधर से जब लौटे हम तो मेरी ये जटाएं ऑटोमेटिक बन गई, रात भर में ये सब जटाएं बन गई, इनको बहुत सुलझाया हमारे यहाँ मैया ने, पर ये नहीं सुलझी, तेल लगा लगा कर सुलझाया न सुलझी। इसके बाद में जब मैं यहाँ आया तो गौ माता मेरे से कन्या के रूप में बात करती है, कोई भी अगर दवा है तो वो ये गौ माता कन्या के रूप में बताती है, इन्होंने मेरे को मार्ग दिखाया, इन्हों तो ईश्वर की क्या कृपा बरसी हमको भी नहीं मालूम, सिर भी हमारे साथ है और हमारी अमरकंटक में जटाएं बनी और हम गाँव गाँव जाकर गौ माता का महत्व बतलाने लगे, लोग हमको संत के रूप में कहने लगे, और हमने गौ माता के साथ गौ व्रत चालू कर दिया। हम देखते हैं कि जब भी हम माँ नर्मदा जी के तट पर या कहीं भी आश्रम में जाते हैं तो साधु संतों का बड़ा अपार प्रेम मिलता है, और माँ नर्मदा जी के तट पर साधु संतों की कुटिया में जो भी कुछ बनता है, भोजन प्रसादी जो भी भोजन बनता है वो नर्मदा जी को भोग लगता है, भगवान को भोग लगता है, और ये साधु संतों का अपार प्रेम रहता है मैया के प्रति।
अम्मा जी ने टिक्कड़ सेंक रही हैं। अम्मा जी, गुरु जी ने काफ़ी टिक्कड़ सेंक लिए हैं, गुरु जी थक गए थे, अम्मा जी कहती लाओ भाई मैं बनाती हूँ। तो अब अम्मा जी बना रही हैं और बिल्कुल देखिए टिक्कड़ के साथ ये गाय का शुद्ध देसी घी है, बिल्कुल यहीं की गाय गौशाला के देसी घी है, ये गाय का घी है। और गुरुजी टिक्कड़ में घी लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितने प्रेम भाव से गुरुजी भोजन प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं भक्तों को। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि गुरुजी के आश्रम में भोजन प्रसादी जो है खाकर के पत्तों पे, पलाश के पत्तों पे पातल बना के ग्रहण करा रहे हैं। ये इस पे भोजन करना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, इन पत्तों पे भोजन करने से कमर दर्द और घुटने दर्द और शुगर जैसी बीमारियां दूर होती हैं इन पत्तों पे अगर हम लगातार भोजन करते रहते हैं तो। इस पे जब हम गरम गरम भोजन परोसते हैं इन पत्तलों पे, पलाश के पत्तों पत्तलों पे, तो भोजन में उनका असर आ जाता है पत्तों का। जय हो नर्मदा मैया की जय। और अम्मा जी ये प्रसाद बना रही हैं, टिक्कड़ बना रही हैं। मैया के तट पर भोजन ग्रहण करने का, भोजन प्रसादी ग्रहण करने का आनंद बहुत ही अद्भुत है। देख रहे हैं हमारी अम्मा जी गरम गरम टिक्कड़ बना रही हैं और सब गरम गरम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत है, बहुत आनंददायक है ये। और ये आनंद हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ही मिलता है। हमारे दादाजी और दादी जी दोनों पति पत्नी हैं और दोनों माँ नर्मदा जी के तट पर सेवा करने के लिए गुरु जी के आश्रम में आते रहते हैं। दादी जी नर्मदे यार, दादाजी नर्मदे यार जी। ये क्या है? ये सुरभि माता माँ नर्मदा का परिक्रमा 4.5 महीने से की उम्र से ही चालू कर दिया था। ये हिरणखेड़े तालाब से निकली और इस गौ माता का जहाँ भी जिसने भी परिक्रमा दिया, कोई सा भी रोग हो, भले ही आपको कैंसर हो, साइटी का हो, चाहे आपको कमर दर्द हो, ये इसके परिक्रमा देने से और इसके गोबर के स्नान करने से ये सब समाप्त हो जाता और आज तक होते आया। इसीलिए यहाँ पे इसके परिक्रमा देने लोग आते हैं और ये इसके गौमूत्र से भी पीने से सब बीमारियाँ हटती हैं। इसको जिसने भी 11 परिक्रमा दे के गया है उसकी बीमारी बिल्कुल, और उसके मार्ग भी खुल जाते हैं। अगर किसी प्रकार का मान लो आपको परेशानी है, दुकान नहीं चल रही है जी, जी। आपकी या आपको घर में कोई परेशानी है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये सिर्फ इसके परिक्रमा, इससे परिक्रमा के दौरान आप अपने मन में बोल लो और इसके सब दूर हो जाते हैं। नहीं है, गणेश जी को ले जाओ, आप गणेश जी बना के उनसे ही बोलो, उनसे प्रार्थना करें, उनसे ही प्रार्थना करो और वो प्रार्थना के दौरान सब काम होते हैं। जैसे इधर बटन दबाते हैं और बल्ब जल जाता है, ऐसे ही इसकी जो आपने गणेश जी बनाए और उसके काम। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर आमली घाट पर, आमली घाट मध्य प्रदेश के जिला नर्मदापुरम तहसील सिवनी मालवा और ग्राम आमली घाट हतनापुर में गुरु जी का आश्रम है, ये गौशाला है जहाँ पर गुरु जी विराजमान हैं और यहाँ पर सिद्ध गौ माता हमारी सुरभि माता जी भी विराजमान है। आज हमें गुरु जी के आश्रम में गुरु जी के और सुरभि माता के दर्शन हुए, वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए, हम सब धन्य हुए। गुरु जी आपको दंडवत प्रणाम। गुरु जी नर्मदे हर गुरु जी। नर्मदे।